इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है रोज नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कई टाइम बाद अपने पुराने घर जिसका नाम मैरोबोन था वहां पर अपने बच्चों को लेकर रहने के लिए आ रही थी। ये जगह तो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होती है जहां पर कुछ समय पहले रोज रहा करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो वहां से चली गई होती है। रोज जब वहां पर अपने सारे बच्चों के साथ पहुंच गई तो उसके बच्चे कुछ डरे हुए लग रहे थे। देखकर लग रहा था कि पास्ट में उनके साथ जरूर कोई खौफनाक चीजें हुई हैं जो उनके प्रेजेंट में जीने नहीं दे रही। रोज के बच्चे तो उससे पूछने लगे थे कि क्या वो वापस हमारे लिए आएगा यहाँ पर। रोज ने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा और हम हंसते खेलते अपनी जिंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। जिसके बाद रोज अपने सारे बच्चों के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने लगी और काफी मजे भी करती है। अब यहाँ उनकी मुलाकात आसपास में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम एली होता है। एली बहुत ही ज्यादा अच्छी नेचर की होती है जो उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातें भी कर रही थी। देखते ही देखते वो सभी मैरोबोन नाम के अपने घर के अंदर सेटल हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि सारी चीजें हमेशा सेम नहीं होती। अचानक अब रोज की तबीयत खराब होने लगी और इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण वो काफी मजबूर हो जाती है। यहाँ पर आखिरी समय में रोज ने अपने बड़े बेटे जैक को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भाई बहनों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। जैक अपनी मदर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, इसके लिए वो काफी दुखी होता है। रोज ने जैक को अलमारी में से एक छोटा सा बॉक्स और एक छोटा सा लेटर निकालने के लिए कहा जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और ऐसा कहते ही रोज की अगले मोमेंट में मृत्यु हो जाती है। जैक इन्हीं सारी चीजों को देखकर एकदम शॉक हो गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जैक अब अपने सारे बहनों और भाइयों को बुलाता है और उन्हें एक सच्चाई बताता है कि हमारी मदर भी अब मर चुकी है। सभी के सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा रो रहे थे अपनी मदर के जाने के बाद, क्योंकि उनका अब इस दुनिया में कोई भी पेरेंट बचा नहीं है। जैक अब अपनी मदर द्वारा लिखा गया वो लेटर पढ़ने लगा, जिसके अंदर उसकी मदर बता रही थी कि तुम्हें एक साथ रहना है और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है, और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी मदर की मौत की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यूएसए में रूल होते हैं कि पेरेंट्स के मरने के बाद बच्चों को उसी आदमी के पास दिया जाता था जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, और यहाँ जैक 21 साल से कम होता है। ये बात अगर उन्हें पता चली तो वो सारे बच्चों की कस्टडी किसी दूसरे पेरेंट्स को दे देंगे, जो कि उनकी मदर बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ये बात छुपाने के लिए कहती है। जैक भी ये सारी चीजें समझ चुका था और वो अपने भाई बहनों को भी ये करने के लिए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो एक साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ धीरे धीरे समय बीतता चला गया जहाँ पर जैक अपने भाई बहनों के साथ अकेले ही घर में रहा करता। उन्होंने अपने मदर का फ्यूनरल अकेले ही कर लिया और ऐसा प्रिटेंड करने लगे कि उनकी मदर सच में घर के अंदर मौजूद है। वो जल्दी घर से बाहर ही नहीं निकला करते और सिर्फ जैक शहर में जाता कुछ सामान लेने के लिए। लोगों को बिल्कुल शक ना हो इसीलिए वो जानबूझकर ये कहता कि उनकी मदर बीमार है और वो उनके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आ जाता। जैक तो अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरीके से जिंदगी गुजारने लगा था। हमें तो अब यहाँ जैक की बहन लीना दिखाई देती है जो कि कमरे के पास मौजूद थी। तभी अचानक बागीचे में कोई इंसान आया जिसने कि लीना को शूट करने की कोशिश की। अच्छी बात तो ये होती है कि लीना के बीच में वो कांच मौजूद था जिससे कि बंदूक की गोली का डायरेक्शन चेंज हो गया, और लीना किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर ये बातें अपने भाइयों को बताती है। वो सभी बहुत ज्यादा चौंक गए थे, इसीलिए अब जैक ने कहा कि हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। इसी तरीके से समय बीतता चला गया। यहाँ पर जैक अब एली नाम की उस लेडी के पास आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एली का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जैक की तरफ दिखाई दे रहा था। यहाँ जैक ने अब तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया होता है कि उसकी मदर मर चुकी है, पर अब हमें यहाँ पर मार्क नाम का एक लॉयर दिखाया गया जो कि एली के ऑफिस में आ जाता है। मार्क तो यहाँ पर बहुत पहले से एली को पसंद करता था, लेकिन एली को उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। मार्क ये देख लेता है कि जैक एली के साथ बहुत ही क्लोज है और वो जैक की मदर को पहले से पहचानता था, इसीलिए मार्क जैक के पास आकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मदर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उनके मैरोबोन नाम की उस जगह को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर्टीज पेपर बनाऊं जिस पर उनके सिग्नेचर्स लगना बहुत जरूरी था। इसीलिए मार्क जैक से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा तुम्हारी मदर के सिग्नेचर लेने के लिए, जिसके बाद सारी चीजें अच्छी तरीके से कंडक्ट कर ली जाएंगी। यहाँ पर जैक एकदम शॉक हो गया क्योंकि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकता था
कि उसकी मदर मर चुकी है। इसीलिए जैक ने अब मार्क से ये कहा कि मेरी मदर की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स दे दो, मैं उनके ऊपर मेरी मदर के सिग्नेचर्स करा लूंगा। लेकिन मार्क ने कहा कि ये प्रोसीजर्स ऐसे नहीं होते थे, ओनर का सामने होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आकर सिग्नेचर ले लूंगा। अब जैक सीधा वहां से अपने घर पर गया और इस क्रिटिकल कंडीशन के बारे में अपने भाई बहनों को बताया। उन्हें क्या करना चाहिए ये तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था। जैक तो अपने भाई बहनों से पूछने लगा था कि हमें कुछ न कुछ एक्शन लेने होंगे, नहीं तो उस लॉयर को हमारे मदर की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और तो और उनके पास लॉयर की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है। तभी जैक के एक छोटे भाई ने अपने उस छोटे से बॉक्स के बारे में बताया जिसे कि उन्होंने अपनी मदर की कबर्ड से निकाला था। उसके अंदर जरूर कुछ पैसे हो सकते हैं जिससे कि वो लॉयर के पैसे देकर उसे यहाँ पे जाने से मजबूर कर सके। लेकिन लीना यहाँ पर कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बॉक्स कर्स हो सकता है और उसके ऊपर बहुत ही गंदा श्राप लगा होगा। लेकिन उनके पास फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जैक का छोटा भाई निकल पड़ता है एक गुफा में जाने के लिए जहाँ पर उन्होंने वो बॉक्स छुपाया हुआ था। उस बॉक्स को लेके आकर उन्होंने जैसे उसे ओपन किया तो उसके अंदर सच में पैसे मौजूद थे जिसे कि अब वो लॉयर को देने के लिए अरेंज कर सकते हैं। वो सभी जल्द से जल्द अपने घर को अच्छी तरीके से सजाने लगे ताकि उस लॉयर को जरा भी शक ना हो। सारी चीजें उन्होंने बाहर की तरफ ही अरेंज की थी ताकि वो लॉयर घर के अंदर ना आ सके और उनकी मदर के बारे में ना पूछे। अब अगले दिन ही वो लॉयर उनके घर पर आ चुका था जहाँ पर जैक उनसे बाहर ही बैठकर बातें कर रहा होता है। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लॉयर को घर के अंदर नहीं लाने देना चाहिए। सारी बातचीत और पेपर्स लेने के बाद लॉयर जैक से कहता है कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो तुम्हारी मदर से मिल लिया जाए। लेकिन जैक पेपर लेकर कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार है और इसी बीमारी में वो काफी एग्रेसिव हो चुकी है, इसीलिए आपका मिलना इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैक तो प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर घर के अंदर चला गया जहाँ पर उसकी बहन लीना कई दिनों से अपने मदर की सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश कर रही थी और इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो कामयाब भी हो जाती है पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन तभी बाहर की तरफ जोर से बारिश होने लगी जिसके कारण वो लॉयर घर के अंदर आ जाता है। अब वो लॉयर सोचने लगा कि अंदर आने पर वो उसकी मदर से मिलकर ही जाए। यहाँ जैक को कदमों से पता चल गया कि जरूर वो लॉयर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा नाटक करने लगा कि वो अपनी मदर से बातें कर रहा था। सिग्नेचर करने के बाद जैक तुरंत ही बाहर निकलता है और उस लॉयर को रोकता है। वो कहने लगा कि मेरी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही है, इसीलिए आप ये पेपर लो और चले जाओ। लॉयर को इससे कुछ मतलब नहीं था क्योंकि उसे साइन पेपर्स मिल गए थे और अपने पैसे भी, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब ये चीजें होने के बाद जैक अपने भाई बहनों के साथ काफी मजे कर रहा था। वो एंजॉय करते हैं क्योंकि इनके राज के बारे में किसी को नहीं पता चला। अब यहाँ एंजॉय करते समय जैक का सबसे छोटा भाई जिसका नाम सैम होता है वो अचानक अपना एक डाइस नीचे गिरा देता है। सैम ने जैसे ही एक डाइस उठाया तो उसके सामने एक और डाइस आ चुका था जिसे फॉलो करते हुए वो एक दूसरी जगह पर जाने लगा और तभी अचानक एक मिरर के ऊपर जो कपड़ा रखा होता है वो नीचे गिर गया जिसके अंदर सैम ने एक खतरनाक घोस्ट को देखा जो कि उसे अंदर बुला रहा था। सैम बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है जिसके बाद जैक और उसके भाई जल्द से जल्द वहां पहुंचे और उस मिरर के ऊपर कपड़ा डालने लगे। जैक तो अपने तीनों भाई बहनों को टेंट के अंदर भेज देता है जहाँ पर शायद वो सुरक्षित रहेंगे। तभी जैक नोटिस कर रहा था कि सीलिंग पर थोड़े से छेद बन चुके हैं जिसे कि वो सीढ़ी से देखने लगा, पर तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ एक खतरनाक घोष दिखाई देता है जो कि वहीं कहीं घूम रहा था और उनके ऊपर नजर रख रहा था। ये खौफनाक चीज देखने के बाद जैक वहां से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने भाई बहनों के पास मौजूद था टेंट के अंदर और उसकी बहन लीना कहने लगी कि जरूर ये खतरनाक घोस्ट उस पैसों के वजह से आया है जिसे कि हमने खोल लिया और यूज कर दिया, और जब तक हम वो पैसे नहीं लौटा देते तो ये घोस्ट हमें परेशान करता ही रहेगा। जिस बात से हमें इतना तो क्लियर हो गया था कि जो बॉक्स उन लोगों ने ओपन किया था वो पूरी तरीके से कर्स होता है और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन सभी को झेलने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें एली दिखाई गई जो ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर मार्क नाम का वही लॉयर मिल जाता है जो कार में बिठाकर उसे ड्रॉप करने के लिए चला गया था। रास्ते में मार्क यहाँ पर एली को जैक के फैमिली के बारे में बताता है। वो कहने लगा कि जैक की फैमिली कैसी है क्योंकि वो जरा भी घुलती मिलती नहीं थी और उसके सारे भाई बहन तो घर से कभी निकलते ही नहीं थे, मुझे वो फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। साथ ही साथ मार्क एली को जैक के फादर के बारे में भी बताता है कि किस तरीके से उसके फादर एक सीरियल किलर थे जो अचानक से कहीं बैंक से 10,000
डॉलर लेकर गायब हो गए। लेकिन अब यहाँ पर एली मार्क से कहती है कि ये उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कुछ जरूरत नहीं। अब एली यहाँ पर सीधा जैक के पास चली गई थी जो फार्म हाउस के पास ही बैठे हुए होते हैं। एली ने तो जैक से उसके फादर के बारे में पूछने लगी जो कि सीरियल किलिंग का काम किया करते थे। जैक अपने फादर के बारे में सुनकर एकदम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके फादर के बारे में जरा भी कुछ बात की जाए। जैक ने बताया कि उन्होंने हमारी फैमिली को इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि हम सह नहीं सकते थे। यहाँ एली नोटिस करती है कि जैक काफी डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए वो उसे किस करके थोड़ा सा रिलैक्स कराती है। वहीं कुछ दूरी पर मार्क मौजूद था जो कि ये सारी चीजें देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो तो एली से प्यार करता था और एली जैक के पास जाती थी। उसके अंदर तो एक बदले की भावना जागने लगी। हमें अब जैक को दिखाया गया जो अपने घर पर चला आता है और जल्द से जल्द जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि वो अपने फादर के बारे में फिर से सोचकर काफी डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ उनका छोटा भाई सैम जब ये नोटिस करता है कि घर के अंदर कोई नहीं है तो वो अपने मदर के कमरे में जाने की कोशिश करने लगा। सैम चाबी लेता है और जल्द से जल्द कमरे के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे अपने मदर की याद जो आ रही थी। सैम अपने मदर की हर एक चीजों को टच कर रहा था जिससे वो फील कर पाता है कि उसकी मदर उससे कितना प्यार करती थी। सैम तो अब एक चेयर की मदद से विंडो के बाहर कुछ देखने की कोशिश करने लगा जिससे कि बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर जाता है और सामने रखी हुई मिरर के ऊपर से कपड़ा भी उतर गया था। सैम को मिरर से बहुत ही ज्यादा डर लगता था इसीलिए वो जल्द से जल्द कपड़े को खुद से बांध लेता है और थोड़ा सा देखने लग जाता है मिरर की तरफ। उस मिरर के अंदर सच में वो घोस्ट मौजूद था जो उसके पास आने की कोशिश करने लगा। सैम की जोर से चिल्लाने के कारण वहां जैक और उसके सारे भाई बहन आ जाते हैं जो सैम को लेकर नीचे की तरफ चले गए थे। यहाँ पर जैक, लीना और सभी भाई बहन बातचीत करते हैं कि आखिर वहाँ पर मौजूद क्या है। तब जाकर लीना और जैक बात करते हैं कि ये जरूर उनके फादर हो सकते हैं जो कि एक सीरियल किलर हुआ करते थे। जैक ये भी कहता है कि जब हमारी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया तो वो हम सभी को भी मारने के लिए यहाँ पर आए थे और अब इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जैक और उसके भाइयों ने मिलकर उसके फादर को सीलिंग के अंदर बंद कर दिया ताकि वो कभी आजाद ना हो पाए। लीना को लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने फादर का फ्यूनरल कर देना चाहिए क्योंकि ये उनका ही घोस्ट है जो चारों तरफ फैल के हमें डरा रहा है। अब यहाँ हमें मार्क नाम की उसी लॉयर को दिखाया गया जिसे कि एक अमेरिकी कंपनी से काफी अच्छा ऑफर मिला होता है जो उसकी सैलरी काफी दुगनी करके देने वाले थे। लेकिन सबसे पहले मार्क को $5,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मार्क इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था और उसके पास उतना अमाउंट भी नहीं होता। तब जाकर मार्क को एक न्यूज़पेपर हेडिंग मिलती है जिसके अंदर जैक के सीरियल किलर वाले फादर के बारे में बताया गया। आर्टिकल में लिखा था कि जैक के फादर ने $10,000 से भी ऊपर का अमाउंट चुराया और वहां से कहीं दूर चले गए। इस बात से मार्क को एक बात याद आती है कि उसने जब जैक से पैसे मांगे तो जैक ने $200 बहुत आराम से दे दिए थे, जिसके बाद मार्क को लगने लगा कि शायद उसके फादर घर पर ही गए होंगे और अपने चुराए गए सारे पैसे अपने बच्चों को देने के बाद वहां से कहीं दूर निकल गए। जो पैसे जैक ने उसे दिए थे शायद वो उन्हीं अमाउंट में से थोड़ा निकाल कर दिया होगा और बाकी सारे डॉलर्स अभी भी जैक के पास ही मौजूद हो सकते हैं। यहाँ अब मार्क को पहले से ही जैक के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ऊपर से अब वो सोचने लगा कि अगर वो उसे टॉर्चर करेगा या फिर ब्लैकमेल करेगा तो वो जैक से $5,000 ले सकता है। इसीलिए अब अपने दिमाग में सारी चीजें सोचकर वो डायरेक्टली चला गया था जैक के घर पर। मार्क यहाँ पर जैक से कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे फादर जो कि सीरियल किलर थे उन्होंने जो पैसे चुराए हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और उसी के अंदर से तुमने मुझे वो अमाउंट दिया था सिग्नेचर का। मार्क ने तो जैक को ये भी कहा कि मुझे पता है कि तुमने डॉक्यूमेंट के ऊपर नकली सिग्नेचर किए हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो मुझे $5,000 अभी के अभी चाहिए। जैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने भाई बहनों के पास आकर उन्हें सारी बातें बताता है। पर अब वो पैसे कैसे लेंगे क्योंकि वो बॉक्स तो उन्होंने चिमनी के अंदर फेंक दिया था जहाँ पर उनके डैड का घोस्ट होता है। आखिर वो वहाँ पर जाए तो जाए कैसे, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन एक रात जब जैक और बाकी लोग सोए हुए थे तो उसका बीच वाला भाई जिसका नाम डेविड होता है वो चिमनी के अंदर रस्सी की मदद से जाने लगा ताकि वो पैसे ले सके उस बॉक्स के अंदर से। नीचे उतरकर देखने के बाद चारों तरफ डेविड को अंधेरा ही दिखाई देता है और तो और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो पता चला कि वहाँ बाल्टी में कुछ पानी रखे गए हैं और जानवरों को बुरी तरीके से मारकर खाया गया है। कैसे भी करके उसे बॉक्स दिखाई दिया और डेविड उस बॉक्स को लेने जाता है।
तभी डेविड को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अचानक ही अब उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि डेविड का क्रिमिनल फादर था। डेविड फिलहाल के लिए उस बॉक्स को लेकर तुरंत ही रस्सी की मदद से चिमनी के ऊपर जाने लगा, पर डेविड के सीरियल किलर वाले डैड ने रस्सी को पकड़ लिया और नीचे खींचने लगे। डेविड ने तो यहाँ पर उस पैसों को भी वापस दे दिया होता है, पर रस्सी अभी भी वो छोड़ नहीं रहे थे। इसी वजह से डेविड को वो रस्सी काटनी पड़ी और अब वो जल्द से जल्द दूर चला जाता है। यहाँ पर जैक बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के विजन्स देख रहा था और लीना उसे डेविड के पास लेकर जाती है, जिसकी बॉडी पर बहुत ही गहरा जख्म हो गया था। ये उसके फादर के अटैक करने की वजह से हुआ है। डेविड यहाँ पर अपने भाइयों को सच्चाई बताता है कि हमारे फादर, जिन्हें कि हमने मरा समझकर सीलिंग में बंद कर दिया था, वो अभी भी जिंदा हैं, जो पानी पीकर और जानवरों को मारकर खाते हैं। जैक को जैसे ये बात पता चली तो उसे दौरे पड़ने लगे। लीना समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दोनों ही भाई बड़ी मुसीबत में होते हैं, इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो एली से मदद मांगेगी अपने कंडीशन बताकर, ताकि वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके और एक सॉल्यूशन मांग सके। एली जब लीना के बताए गए पोजीशन पर आती है तो उसे वहाँ पर लीना तो नहीं लेकिन उसके द्वारा रखी गई एक बुक मिल रही थी। ये बुक तो उनके फैमिली के लाइफ पर आधारित होती है, जिसे कि अब एली एकदम शुरुआत से पढ़ने लगी। एली जब उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है तो पता चला कि कई साल पहले जैक और उसकी पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी, लेकिन उसके फादर एकदम साइको थे और फिर बाद में सीरियल किलर बन गए। वो इतना पागल हो चुके थे कि अपने ही बच्चों को मारने के लिए आ गए होते हैं। जैक के फादर इतना पागल हो चुके थे कि वो अपने बच्चों को ये मारना चाहते थे। इन्हीं सारी चीजों से बचाने के लिए जैक की मदर रोज अपने बच्चों को लेकर अपने इस प्राइवेट घर के अंदर आ जाती, जो कि रोज के फादर का हुआ करता था। अब ये सारी चीजें फ्लैशबैक में चली जाती हैं, जब लीना के ऊपर किसी ने बंदूक चलाई थी और वो उनके ही फादर होते हैं जो वापस उनके बच्चों के पास आकर उन्हें मारना चाहते थे। जैक को जब ये पता चला तो वो तुरंत ही अपने भाई बहनों को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। जिसके बाद जैक बॉक्स में रखे गए सारे पैसों को लेकर अपने फादर को देने चला गया, क्योंकि ये उसी के चुराए गए $10,000 थे, जो कि उनकी मदर ने अपने बच्चों के लिए सेफ रख लिए होते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। जैक फिलहाल के लिए उन सारे पैसों को लेकर अपने फादर को देने चला जाता है और कहता है कि तुम इसे लेकर हम सभी को अकेला छोड़ दो, हम अकेले अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस बात से जैक का फादर बहुत ही गुस्सा हो गया और पैसे देने के बावजूद भी जैक को बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। यहाँ पर जरा भी रहम नहीं होता कि ये उसका बेटा है, वो सच में एकदम साइको ही था। लेकिन जैक ने अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ एक छोटा सा चाकू भी रखा होता है, जिसे कि उसने अपने फादर के गले में घुसा दिया। यहाँ जैक का फादर इतना ज्यादा घायल हो चुका होता है, इसीलिए जैक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा भाइयों के पास। जैक का फादर अभी तक मरा नहीं होता, वो तुरंत ही जैक को पकड़ लेता है और एक ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। गिरने के बाद जैक को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। अब यहाँ घायल जैक का फादर किसी भी तरीके से चिमनी के रास्ते से घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। उसके ठीक सामने बाकी तीनों बच्चे मौजूद थे, जिन पर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ने लगा ताकि वो उन्हें जान से मार दे। उन तीनों बच्चों की जान बहुत खतरे में होती है। अब जैक, जो कि बेहोश पड़ा था, उसे भी होश आ गया और अपने भाई बहनों को बचाने के लिए वो गन लेकर सीधा घर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है। हमें तो मार्क नाम का वो लॉयर दिखाई दिया जो जैक के घर में आकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगा। हालांकि मार्क को घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सारी जगह पर जाकर चेक करने लगा कि उन लोगों ने पैसे कहां पर छुपा कर रखे हैं। सबसे पहले वो लीसा के रूम में जाकर चेक करता है और वहां उसे कुछ नोट्स मिले, जिसमें कि ये साफ साफ पता चल रहा था कि उनकी मदर मर चुकी है और ये सारी चीजें सिर्फ एक नाटक था। मार्क तो अब पैसों की तलाश करने के लिए तुरंत ही दूसरे वाले कमरे में जाने लगा, जहां से ऊपर वाला रास्ता बंद किया गया था। अब यहां मार्क को लगता है कि शायद इसी जगह पर वो पैसे छुपा कर रखे गए हैं, इसीलिए अब एक हथौड़े की मदद से वो उस जगह को तोड़ने लगा ताकि वो अंदर जाकर सारे डॉलर्स ले ले। वो जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, तभी मार्क को वहाँ पर तीन डेड बॉडीज दिखाई दी, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। और ये डेड बॉडीज और किसी की नहीं बल्कि जैक के उन तीनों बहन भाइयों की थी। बात यह होती है कि जिस समय जैक के फादर हमला करने के लिए उनके तीनों भाई बहनों के पास आए थे, तो उन्होंने तीनों को बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया। और जब जैक बंदूक लेकर वहां पहुंचता है तो उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि उसके भाई बहन मर चुके हैं और उसके फादर अभी भी उस बेसमेंट के अंदर जिंदा हैं। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी जैक को उस पूरे बेसमेंट का दरवाजा ईंटों से बंद करना पड़ा ताकि उसके फादर बाहर ना निकल सके। उस समय जैक अपनी जिंदगी में एकदम अकेला हो चुका था। एक उसके भाई बहन ही थे जो उसका सहारा बनकर रहते थे, अब तो वो भी मर चुके हैं।
इसी वजह से जैक के दिमाग में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। उसने अपने भाई बहनों की डेड बॉडीज का फ्यूनरल नहीं किया और उनकी यादों के सहारे जीने लगा। जैक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपने बहन भाइयों की तरह कभी कभी बात करने लगता और उनकी जगह पर रहकर एक्सपीरियंस करता। यानी कि जैक के अंदर टोटल 4 पर्सनालिटीज मौजूद थी जो अपने भाई बहनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलती रहती। और तब से ही जो जैक के दिमाग में चल रही थी वो उसकी इमेजिनेशंस हैं, जो आज तक मान ही नहीं पाया कि उसके भाई बहन मर चुके हैं। ये सारी चीजें एली किताब में पढ़ रही थी तो वो शॉक हो जाती है। इसीलिए वो जल्द से जल्द घर के अंदर आई, जहाँ पर वो जैक को देख पा रही थी कि वो अजीब तरीके की एक्टिंग कर रहा है, कभी अपनी बहन की तरह तो कभी अपने भाई की तरह। यानी कि किताब में लिखी गई हर एक चीजें जैक ने लिखी थी और वो बहुत पहले किसी को इस बारे में बताना चाहता था पर वो कर नहीं पाया। एली को तभी अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आती है। वहाँ पर मार्क था जो चिल्ला रहा होता है, तो वहाँ उसे जैक के भाई बहनों की डेड बॉडीज दिखाई दी। और तो और मार्क के ऊपर किसी ने हमला करके उसे घायल कर दिया था, जो तड़प रहा होता है। एली तुरंत ही मार्क के पास चली गई, पर तभी दरवाजे के पीछे से एक खतरनाक आकृति बाहर निकलती है। ये और कोई नहीं बल्कि जैक के फादर थे, जो पहले से काफी एग्रेसिव हो चुके हैं और सीरियल किलर होने के कारण वो डायरेक्टली एली के ऊपर कूद गए और उसे भी जान से मारने की कोशिश करने लगे। एली तो यहाँ जैक से मदद मांगती है बहुत ही जोर से, पर जैक तो उस कमरे में जाने से बहुत ज्यादा डरता था। तभी एली जैक से कहने लगी कि तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, तब जाकर तुम अपने आगे की जिंदगी गुजार पाओगे। यहाँ जैक अब एली की जगह पर अपने भाई को इमेजिन करने लगा कि वो उससे मदद मांग रहा है और उसके फादर उसे मारना चाहते हैं। इसी वजह से जैक के अंदर हिम्मत आई और वो गन लेकर सीधा ऊपर की तरफ गया और उसने सीधा अपने फादर के ऊपर गन चला दी थी। जैक के फादर वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देते हैं और जैक एली को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद कुछ समय बाद का समय दिखाया गया। एली तो एक साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर से मिल रही थी, जो कि जैक का इलाज करा रही होती है उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। हालांकि डॉक्टर ने एली को कई महीनों से दवाइयां दी थी और साथ साथ वो उसे गाइड भी करता था कि तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जैक एक पागल है, लेकिन एली ऐसा बिल्कुल नहीं करती और कहती है कि मैं जैक का इलाज करा कर रहूंगी। उसने दवाइयां ली और घर के अंदर जाकर सारी दवाइयों को साइड में रख दिया। यानी कि एली उन दवाइयों को जैक को देती ही नहीं थी, क्योंकि एली खुद नहीं चाहती कि जैक अपने भाइयों की याददाश्त पूरी तरीके से भूल जाए। उसे इसी तरीके से जैक अच्छा लगता था ताकि वो अपने भाइयों को भी याद करे और अपनी जिंदगी उसके साथ हंसी हंसी गुजारे। वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।